हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अजमेर शरीफ से CAA और NRC के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इससे कई प्रॉब्लम है जो कि जिसको रोकने के लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये आगे से आगे जाए, क्योंकि अजमेर शरीफ में हो रहा, अजमेर शरीफ में प्रदर्शन हो रहा है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से उठी हुई आवाज़ आगे तक जाती है। और दोस्तों, ये आवाज़ आगे तक जब जाएगी, जब अगर आप इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करोगे, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, क्योंकि ये अजमेर शरीफ दरगाह के यहाँ से उठी हुई आवाज़ है NRC और CAA का विरोध में। तो दोस्तों, इससे कई प्रॉब्लम में भी है, हमें भी। तो सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पे एक मतलब विरोध प्रदर्शन किया है। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से उठी हुई आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है और ज़रूर सुनेगी सरकार, अगर क्योंकि ये वीडियो आगे से आगे अगर पहुँचा तो। दोस्तों, कई वजह से वीडियो आगे नहीं पहुँच पाता है। तो आपसे बस मेरी यही गुजारिश है, अभी तक मैंने दरगाह और मजार के वीडियो डाले, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है और ये एक विरोध है जो कि सब पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश है कि NRC और CAA को वापस लिया जाए। तो दोस्तों, ये आवाज़ आगे तक, सरकार तक तभी पहुँचेगी जब लोग आप इसको, वीडियो को आगे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, और क्योंकि वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि अगर वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा तो ये आगे से आगे जरूर जाएगा, और आप भी शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, आगे से आगे शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे। बहुत बढ़िया भाई, जो बहुत जोरदार जोश भरा तुम नौजवानों ने, अब थोड़ा साथ दे रहे आप लोग, बहुत बढ़िया। आज अजीब स्थिति है पूरे भारत में, चारों कोने में नए नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। उस कड़ी से कड़ी मिलाते हुए ख्वाजा गरीब नगर गरीब नवाज की इस पवित्र धरती से, जिन्होंने पूरे देश में भाईचारे और अमन का संदेश फैलाया कि ये भारत देश भाईचारे का देश है, अजमेर में से सूफी संतों ने, चाहे पूरे दिल्ली से हो, सभी ने, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की आजादी में सभी ने कुर्बानी दी है। और तथाकथित आज की सरकार उन लोगों की है जिन्होंने आजादी में अमली अमूल्य तक नहीं कटाई, और सब जमानत में छूट के भगे हुए भगोड़े लोगों की सरकार है दुर्भाग्य से। आज नया नया कानून बना के हम भारतीय मतदाता है, सबके आधार कार्ड बन चुके हैं, जिस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी वो पहचान पत्र से ही रजिस्टर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम वोटर है, इस सरकार को बनाते हैं, सबके पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से भी देश का रजिस्टर बन सकता है कि वो भारतीय नागरिक है। और भारत के नागरिकों से ये पूछा जाता है कि आप राष्ट्र के हो कि नहीं, इसका सबूत दीजिए, इससे ज्यादा कोई बेसर की बात हो नहीं सकती। हम भारत के नागरिक है, हमारे पूर्व भारत के नागरिक रहे, आज हमारी जमीन जायदाद इस हिंदुस्तान में है, खेती बाड़ी से लेके गांव में हमारा हिंदू और मुसलमान मिले हुए हैं, एक दूसरे का भाईचारा है, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हिंदी हो चाहे दीपावली हो चाहे होली हो चाहे ईद हो, हमारा जो